नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा। वक्त हो गया है कुछ ताजा तरीन खबरों का। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद आशीष तिवारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि भड़काऊ पोस्टर लिखने फॉरवर्ड करने से कड़ाई से परहेज करें। भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट करके, भड़काऊ वीडियो बयान जारी करके, साजिश रचकर माहौल खराब या खराब करने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत में कतई बख्शा नहीं जाएगा। कुछ मुट्ठी भर मौका परस्त लोगों के द्वारा अमन ओ अमान खराब कर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने वाले लोगों के द्वारा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि का सहारा लेकर तमाम तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश मुसलसल जारी है, जिस पर पैनी नज़र रखी जा रही है। हर छोटी बड़ी सोशल मीडिया पोस्ट को 68 लोगों की तेज तर्रार टीम द्वारा ऑन रिकॉर्ड लिया जा रहा है ताकि समय आने पर उसे सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सके। समूचे फिरोजाबाद जिले में साजिश रचने वाले शरारती तत्वों और अराजक तत्व फैलाने की कुचेष्टा कर सकने वाले कुल मिलाकर अब तक 62 लोगों की फेहरिस्त बनाई गई है और उनके पीछे उनकी कड़ी निगरानी के लिए 227 लोगों को मुस्तैद कर दिया गया है ताकि किसी भी गड़बड़ी की पुख्ता सूचना मिलने पर उन्हें मुकम्मल सबूतों समेत सलाखों के पीछे रवाना किया जा सके। ज़िले के बासिंदों से पुरजोर अपील की जाती है कि बराए मेहरबानी किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अलबत्ता हर अफवाह की इत्तला पुलिस के मोबाइल नंबरों 7839859141 तथा 7839859125 और 9454400269 पर दें ताकि फौरन मुकम्मल और कड़ा एक्शन लिया जा सके। वहीं जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर पुलिस की सतर्क नज़र बनी हुई है। आपको बाखबर करना है कि आप किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की कतई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका नुकसान ही होगा। यकीन रखिए, आपकी इत्तला पर फौरन पुलिस प्रशासन चुस्ती और मुस्तैदी से अपना काम करेगी। हम वादा करते हैं कि पुलिस की हर कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में कतई बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। बिना कोई भेदभाव किए आपकी अपनी पुलिस आपकी सेवा, आपकी सुरक्षा और समूचे जिले में अमन व अमान कायम रखने के वास्ते मुकम्मल मुस्तैदी के साथ कमर कसकर हमेशा तैयार है। वहीं जनपद के मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा फिरोजाबाद में अमन चैन व शांति एवं भारत बंद के खंडन के संबंध में आम जन से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग नमाज के बाद अपने घरों पर तशरीफ रखें और शहर में अपने मान पाएंगे।